Hello, my dear friends. I, Tapinder Singh, welcome you all to this seventh lecture of Ancient Indian History, in which we are going to study about the Gupta Empire. यहाँ पर हम गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. In case you people have any doubt, you people have any confusion, आपको कोई help चाहिए regarding studies के, you can get in touch on my email ID helpneeti2021@gmail.com. Lectures आपको अच्छे लग रहे हैं अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने नॉलेज सीकर जो आपके नॉलेज में हैं, आप जिन्हें जानते हैं, हु वांटेड टू स्टडी, हु वांटेड टू लर्न, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम, प्लीज शेयर दिस कंटेंट विद ऑल ऑफ देम. लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं. आई टोल्ड यू वी विल स्टडी अबाउट गुप्ता एम्पायर, हर्षवर्धन, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल. तो ये तीन इंपॉर्टेंट थीम्स है विच वी आर गोइंग टू स्टडी. आई एम होपिंग दैट वॉट एवर कंटेंट आई हैव taught, whatever themes we have discussed so far, you are clear, your level of clarity should be crystal in nature. In case you people have any doubt, you can reach out to me on my email ID. फिर भी मैं आपको फिर बातें दोहरा रहा हूँ, सेल्फ स्टडी इज द की. बिना सेल्फ स्टडी के यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दी एंड अंडरस्टैंड दिस गेम ऑफ सिविल सर्विसेज. चाहे आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लीजिए, चाहे आप यूपीएससी की बात कर लीजिए, चाहे आप अदर क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर की बात कर लीजिए. दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड, विच यू आर सपोज टू लर्न, एंड दे आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स. गुप्ता एम्पायर की जब जब हम बात करते हैं, तो इसे हमें एक और नाम, हमने इसे एक और नाम से बहुत ज्यादा सुना है कि इसको भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है. भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल अगर किसे कहा गया है तो दैट इज गुप्ता एम्पायर. अब इसे स्वर्णिम काल क्यों कहा गया है, आई एम होपफुल कि ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट एटलीस्ट 200 वर्ड्स अबाउट द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता एम्पायर, की इसे भारत का स्वर्णिम काल कहा क्यों गया है. आइए टाइम पीरियड देखते हैं. 320 एडी से सीई से 550 तक लगभग दो सेंचुरीज तक दे रूल्ड. ठीक है, गोल्डन एज कहा जाता है. फाउंडर वाज श्रीगुप्त, वाज द फाउंडर. श्रीगुप्त के जो बेटे थे घटोत्कच, ही वाज द सेकंड वन. इन दोनों को क्या कहा गया, बोथ ऑफ देम वर कॉल्ड एज महाराजा. दोनों को क्या कहा गया, महाराजा, श्रीगुप्त को और घटोत्कच को. तो ही इज द फाउंडर. फाउंडर ध्यान रखिएगा भाई. लेकिन अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिला तो द ट्रू फाउंडर ऑफ Gupta Empire is the Chandragupta one. ठीक है, अब आपको एक चीज समझ लेनी है. This is the formula CTC. This is my own evolved formula. ठीक है, CTC stands for clear the confusion. आपको यहां पर confusion होता है, होता था, होता है या हो रहा होगा, लेकिन आज के बाद नहीं होगा. चंद्रगुप्त का जब जब नाम आता है students get puzzled. बिल्कुल एकदम बिल्कुल पगला जाते हैं, यही पता नहीं लगता कि गुप्ता एम्पायर वाले की बात हो रही है या मौर्यन पीरियड के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी बात हो रही है. आपको एक चीज समझ लेनी है, अगर चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ है तो भाई इट इज एविडेंट दैट इज फ्रॉम मौर्य पीरियड. अगर चंद्रगुप्त वन या जो चंद्रगुप्त टू जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वैसा आपके पास ऑप्शन ऑप्शन में अगर ऐसा आता है तो दे विल बी फ्रॉम विच डायनेस्टी, they will be from Gupta dynasty. वो कहां से होंगे, गुप्ता डायनेस्टी से संबंध रखेंगे. आपको ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट है वो क्लियर कर लेने हैं. यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, देर शुड बी नो कंफ्यूजन अबाउट सच थिंग्स. ठीक है, अब जो हमारे चंद्रगुप्त वन जी है, who has been considered the true founder of Gupta Empire, was called as महाराजाधिराज, माने किंग्स ऑफ किंग, कि भाई राजाओं के भी जो राजा है महाराजाधिराज, महाराजाधिराज चंद्रगुप्त वन. तो देखिए अब ऐसे ऐसे टाइटल दे हैव स्टार्टेड यूजिंग. सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज व्हिच हिस्टोरियंस हैज रेफर्ड टू व्हेन दे वर कंस्ट्रक्टिंग और व्हेन दे वर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ दिस गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दे आर ऑन योर स्क्रीन. पुराणास, ठीक है, देवर 18 इन नंबर, पुराण जो थे वो 18 थे, वहां से इनके बारे में जानने को मिलता है. देवी देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्रा रक्षकास,
is the these both are the dramas in Sanskrit language written by Vishakha Dutt. Contemporary literary works of Kalidas, ki jo Kalidas ka tab literary work tha, which we will study in this lecture only. वहां से भी हमें पुख्ता सबूत मिलते हैं. Payan, he was the Chinese traveler who came to India. ठीक है, और इसने कुछ अकाउंट लिखे हैं, उन अकाउंट से भी हमें हेल्प मिलती है. मेहरौली आयरन पिलर आपने बहुत सुना होगा, छठी की किताब में चैप्टर नंबर 12 पर दिया हुआ है. देखिए मुझे याद हो गया वो चैप्टर, एक्चुअल में वहां से मैंने पिक्चर आपके लिए कॉपी की थी. अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन रिटन ओवर अशोकन पिलर. अब देख रहे हैं आप कनेक्शंस बनते जा रहे हैं हिस्ट्री में. अब जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिस्ट्री है दैट इज गेटिंग इवॉल्व्ड. ठीक है, कॉइन्स, बताइए मुझे व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ कॉइन. कहीं ये न्यूमिस्मैटिक तो नहीं है भाई, रेफर टू द इंट्रोडक्टरी लेक्चर. ये जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर मैंने आपके लिए तैयार किया था, इट वॉज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी. दिस इज द फाउंडेशन फॉर दीज 15 लेक्चर्स. आप देखिए एडी बीसी, ये ऐसी कॉमन टर्मिनोलॉजीज है विच यू हैव एनकाउंटर्ड ऑन ऑलमोस्ट एवरी स्लाइड, ऑन एवरी स्लाइड. तो यू शुड बी क्लियर विद सच थिंग्स. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द ट्रू फाउंडर ऑफ दिस गुप्ता एम्पायर, चंद्रगुप्त वन. ठीक है, कंफ्यूजन, सीटीसी क्लियर द कंफ्यूजन. 320 से 330 एडी तक इन्होंने राज किया. देखिए एक एक दो दो साल का डिफरेंस, आप अगर बुक्स को चेंज करोगे ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे. तो ही वॉज फर्स्ट टू बी कॉल्ड एज महाराजा धीराज, ग्रेट किंग ऑफ किंग्स. ठीक है, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के भी महाराजा इन्हें कहा गया है. He married to Lichhavi princess, which gave him strength and prestige. देखिए जो word Lichhavi है ना, Lichhavi, we have already encountered it at least 10 or 20 times. तो अब तो you should be in a position to write at least 50 words about Lichhavi. कि भाई इस word का what is its relevance in history? ठीक है, कि इसकी relevance क्या है और in which context we have studied this word so far. अब देखिए he married to whom? Lichhavi princess. तो again matrimonial alliances, policy, your priorities decides your what? They decide your policies. तो उनकी priority थी to expand the empire. अब या तो लड़ झगड़ के आप एम्पायर को एक्सपेंड कर सकते हो, या क्या कर सकते हो भैया, रिश्तेदारी लगा लो. जो राजा की बेटी है आप उससे रिश्ता लगा लो, या जो राजा का बेटा है आप उसे अपनी बेटी दे दीजिए. इन दिस मैनर यू कैन प्रॉस्पर पीसफुली. ही स्टार्टेड द गुप्ता एरा, इट इज अगेन अ कैलेंडर, गुप्ता एरा 320 एडी एज अ मार्क ऑफ हिज असेंशन टू द थ्रोन. असेंशन टू द थ्रोन का मतलब है गद्दी पर बैठना, सिंहासन धारण करने के समय पर. ही स्टार्टेड व्हाट? ही started the Gupta era. अब तक we have studied two calendars. First one was Vikram era वाला जो आपका calendar था. Second one is Shaka. ठीक है? ये 57 BC में था. It was in 78 AD में. Writing में थोड़ा problem है. Just आप सुनते रहिए ध्यान से. And third one is Gupta era. ठीक है? Gupta era is 320. तो अगेन हम एग्जामिनर विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि भाई 2021 में अकॉर्डिंग टू गुप्ता एरा व्हाट इज द एज. तो हमें यहां पर 320 माइनस करना है, तो आप एज कैलकुलेट करके देख लीजिए. इट इज सम अराउंड व्हाट 10 यहां आपको 7 और 1, लगभग 1701 के आसपास हम इस वक्त रह रहे हैं. तो दिस कैलेंडर इज जनरली यूज बाय हिस्टोरियंस, ये आम उसमें पार्लांस में ज्यादा यूज नहीं होता है. वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपको समझना है. आप देखिए तीन कैलेंडर्स वी हैव स्टडीड सो फार. आप कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, और जहां आप नोट्स बना रहे हो वहां साइड में ना एक छोटा सा बॉक्स ऐसे आप बना लीजिए ऐसे, और तीनों को ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लीजिए और सामने देखिए. पहले में हमें क्या करना है? पहले में हमें प्लस करना था, दूसरे में माइनस किया हमने, तीसरे में हमें माइनस करना है ऑफ योर प्रेजेंट एज. तो ये नोट्स बनाने की कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स भी है आपको कैसे बिल्कुल अपडेटेड रखने अपने नोट्स. The Mehrauli Iron Pillar inscription mentions his extensive conquest. ठीक है, तो जो Mehrauli Iron Pillar है, अभी हम देखेंगे. This is the first reference to the achievements of Chandragupta I. ठीक है, जो Chandragupta I की अगर हम achievements देखें, तो they have been
इंस्क्राइब ऑन मेहरौली पिलर, मेहरौली आयरन पिलर, एंड इट इज लोकेटेड, मुझे आप बताइए मेहरौली आयरन पिलर जो है वो कहाँ पर लोकेट हुआ है, इसकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, अब हम समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ 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 हिज टाइम, ग्रेटेस्ट गुप्ता रूलर, ही वॉज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। देखिए यही होता है मेरे साथियों कि ही वॉज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, वेयर एज यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नेपोलियन, ये एक यूरोपियन रूलर रहे हैं, लगभग लगभग 19वीं और 20th सेंचुरी में ही रूल्ड, एंड यू जस्ट लुक एट हियर, दिस इज 4th सेंचुरी। ठीक है, ही रूल्ड, समुद्रगुप्त रूल्ड इन 4th सेंचुरी, एंड व्हाट वी आर सीइंग नेपोलियन ऑफ इंडिया, इट शुड बी रिवर्स, इट शुड बी सेड इनवर्सली ना, कि भाई जो नेपोलियन है ही इज द समुद्रगुप्त ऑफ यूरोपियन, इज द समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप। लेकिन हुआ क्या कि जो हिस्ट्री है 18th एंड 19th और 20th सेंचुरी की जो हिस्ट्री है दैट हैज बीन रिटन बाय यूरोपियन हिस्टोरियंस एंड दे हैव गिवन तवज्जो, दे हैव गिवन मोर इंपॉर्टेंस एंड मोर वैल्यू टू देयर ओन हिस्ट्री, इसका यही एक रीजन निकल कर आता है। अदरवाइज देखिए आप जो आपसे लगभग लगभग 1800 साल पहले व्यक्ति रूल कर रहा था, यू आर जस्ट सेइंग एनीथिंग रबिश अबाउट हिम, ये तो एक एक हिसाब से रबिश ही है ना, बट दिस इज हाउ इट इज इन द इन द हिस्टोरिकल डोमेन, सो वी आर सपोज टू स्टडी इट लाइक दिस ओनली। डिलाइटेड इन मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, इट वॉज बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज ऑफ नेपोलियन एंड दिस समुद्रगुप्त, कि इनके जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे वो हमेशा बहुत ही मतलब विक्टोरियस हर जगह से होकर आए हैं। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, इट वॉज द अशोकन पिलर, इट हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन अशोकन पिलर ऑन विच मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, संस्कृत जो है वो नागरी स्क्रिप्ट है, लेटर जहांगीर एडिट ऑन इट टू। ठीक है, जहांगीर बताइए किसके बेटे थे, बताइए उस सन वॉज जहांगीर, जहांगीर के पिताजी का नाम हम पूछ रहे हैं आपसे। तो ये जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, आपने जब हिमाचल की एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड दिस फ्रेज देयर, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इसे लिखा किसने था मुझे बताइए, एच से उनका नाम आता है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो समुद्रगुप्त नेवर न्यू डिफीट, ठीक है, एंड कॉन्कर्ड टिल आसाम इन ईस्ट, ईस्टर्न साइड, अफगानिस्तान इन वेस्ट, कश्मीर इन नॉर्थ एंड तमिलनाडु इन साउथ। तो यू कैन इमेजिन, मैप्स मैंने बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि अब तक तो मैप्स आपको याद हो जाने चाहिए। और नेपोलियन इन्हें क्यों कहा जाता था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स दैट ही वॉज हेल्ड एज इंडियन नेपोलियन, हाउएवर इट शुड बी रिवर्स, बट अभी एग्जाम दृष्टि से हमें यही ध्यान रखना है। ठीक है, He was a lover of art and literature. Lover थे ये art and literature के. The proficient, he was proficient in music, veena player. He was considered as a veena player and a poet. ठीक है, तो इन्हें कविराज भी कहा गया है. He patronized many poets and scholars along with famous poets like Hari Sena, who wrote the Allahabad inscription. ठीक है, तो अगर जब हम देखते हैं ना अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को जब हम देखते हैं, तो द किंग्स एंड द किंगडम्स विच हैव बीन मेंशन्ड ओवर दैट पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन इज द रिकॉर्ड हाउस एंड द रिकॉर्ड प्रोवाइड अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉलिटिकल रिगार्डिंग द जियोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया ऑफ द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है ये, अगर हम इसको हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करें तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रेन ऑफ समुद्रगुप्त इन अलाहाबाद इज द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन एंड इट वाज कंपोज्ड बाय, अभी बताया मैंने, हरी सेन। ठीक है, इट अगर इन शॉर्ट आपको ना ऐसे छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब कि व्हाट हैज बीन रिटन ऑन दी और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, तो आप ऐसे एक छोटा सा लिख सकते हैं कि इट डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टेंसेज ऑफ समुद्रगुप्त असेंशन। ठीक है, कि असेंशन हिज मिलिट्री कैंपेन्स टू नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन एंड हिज रिलेशंस विद अदर कंटेम्पररी रूलर्स
एंड हिज अकॉम्प्लिशमेंट एज अ पोएट एंड स्कॉलर, क्योंकि भाई पोएट तो थी ना, तभी तो हम कह रहे हैं उनको कविराज. He was ardent follower of Vaishnavism, but tolerant to other religions as well. अब आप देखिए, अब हिंदुइज्म में भी अलग अलग सेक्ट्स इवॉल्व हो रहे हैं. पहले हमने कहां देखे थे ये, पहले वेयर डिड वी स्टडी अबाउट दीज रिएक्शनरी ग्रुप्स आफ्टर वेदिक पीरियड, विच टू रिएक्शनरी ग्रुप्स केम इनटू लाइमलाइट. आप देख सकते हैं द एक्सटेंट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ समुद्रगुप्त. ठीक है, दिस वॉज द टेरिटोरियल एक्सटेंट. तो लगभग इनका जो एक दायरा था वो बहुत बड़ा दायरा था. एंड दिस इज दैट अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन. ये मैंने इंटरनेट से फोटो लिया है, गूगल से आपके लिए, आप जस्ट देख सकते हैं कि दिस वॉज द काइंड ऑफ पिलर. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक स्लाइड इज एग्जाम ओरिएंटेड. अब चंद्रगुप्त टू की बात करते हैं. ठीक है, चंद्रगुप्त टू रूल्ड फ्रॉम 380 to 415 AD. चंद्रगुप्त टू वॉज कॉल्ड विक्रम आदित्य. ठीक है, चंद्रगुप्त टू वॉज कॉल्ड होम विक्रम आदित्य. इट मार्क्स हाई वाटर मार्क ऑफ गुप्ता एम्पायर. हाई वाटर मार्क का मतलब है कि इनके समय पर गुप्ता एम्पायर वॉज एट द ज़ीनथ. ठीक है, एक्सटेंडेड हिज एम्पायर बाय मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड मैरिज अलायंसेज. अगेन देखिए, पॉलिसीज है ये, आपकी ये सारी पॉलिसीज है, आप इनसे अपने प्रेजेंट की जो आपकी सिचुएशन है, यू आर सपोज टू प्रायोरिटाइज यूर थिंग्स एंड देन डिवाइज पॉलिसीज अकॉर्डिंगली. ही मैरिड हिज डॉटर टू रुद्रसेना ऑफ वकाटक किंगडम ऑफ डेक्कन. तो आज के जो ये आपका वकाटक, अगर मैं कहूं तो वकाटक जो लोग थे प्रेजेंट डे, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो उस वाले एरिया में देवर रूलिंग. अब वकाटक से संबंध स्थापित करने का क्या तात्पर्य था, क्या औचित्य बनता है, वो हम अगली स्लाइड में मैप के माध्यम से समझेंगे. तब तक आपको सोचना है भाई वकाटक्स कहां थे, गल्फ ऑफ थाम्बद, गल्फ ऑफ कैम्बे की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं. देवर ऑन ईस्टर्न पार्ट, हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं. वॉट वॉज द इंपॉर्टेंट पोर्ट विच आई डिस्कस्ड इन ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन एम्पायर, सातवाहन से रिलेटेड था. भाई कुछ तो याद कर लो यार, नहीं नोट्स को रेफर कीजिए आप अपने. ही डिफिटेड शकास कंप्लीटली इन मालवान गुजरात एंड कॉन्कर्ड वेस्टर्न सी पोर्ट्स. दैट वॉज द सी पोर्ट, अभी भी नहीं है नाम याद आ रहा भाई. फिर तो देखो रिवाइज तो करना पड़ेगा आपको. Revision is then too, it is very much evident if you are unable to recall the name of that important port where Roman traded. Romans jo the, they were the real trader of that particular port. Ab tak to aa jana chahiye aapko yaar. Ujjain became their second capital and first being Prayagraj. Prayagraj to abhi khair naam change hua hai, Allahabad hi tha tab to naam. नहीं, तब तो प्रयागराज था, फिर बीच में चेंज होकर अलाहाबाद हो, फिर अब दोबारा प्रयागराज हो गया है. तो आप मुझे बताइए कि कौन लोग ऐसे थे जो हु वर इन्वॉल्व्ड इनटू दिस, मतलब वैसे कुछ लीडर्स प्रेजेंट डे के जो हु वर आफ्टर दिस नेम के, नहीं नहीं प्रयागराज ही होना चाहिए. एक्सप्लॉइट्स रिटन ऑन मेहरौली आयरन पिलर दिल्ली. ठीक है, मेहरौली आयरन पिलर जो है वहां पर इनके बारे में लिखा गया है. His reign at Ujjain court saw numerous scholars like Kalidas and Amar Simha. ठीक है, नवरत्नास, 9 eminent jewels in his court. नवरत्न, 9 ऐसे लोग, 9 ऐसे एडवाइजर, 9 ऐसे राइटर थे जिन्होंने इनके एम्पायर को समृद्ध बनाने में, उनकी अच्छी पॉलिसीज को उनको अच्छा गाइड किया. देवर दी एडवाइजर, नवरत्न, 9 रत्न का मतलब है 9 ऐसे एडवाइजर थे. आपके लिए क्वेश्चन है, दूसरे ऐसे कौन से राजा रहे हैं मिडिवियल पीरियड के जिनके समय काल में नवरत्न हुए. ये आयरन पिलर दिल्ली मैं आपके लिए लेके आया हूं. ठीक है, ये आयरन पिलर ऑफ दिल्ली है. सी दिस शोज नथिंग बट द मेटरोलॉजिकल, ये जो मेटरोलॉजी वाली आपकी जो प्रोवेस है ना ऑफ आर एंशियंट पीपल. ठीक है, दिस शोज दैट. आप देखिए 1500-1600 साल ये पिलर खड़ा है, ज्यों का त्यों है. देयर इज नो साइन ऑफ रस्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ आयरन. तो आप सोचिए कि हाउ एडवांस्ड वर दे इन देयर मेटोलॉजी. ठीक है, अब आप एक यहां पर एक स्क्रीन पर मैप देख पा रहे हैं. ये चंद्रगुप्त मौर्य का एक्सटेंशन उन्होंने जो किया था, ये देखिए आप, दैट दिस वॉज द पोर्ट, बैरीगाजा पोर्ट. यार मैं इतने देर से आपको बोल रहा था ना, अब तक तो आपने लगभग गैस कर लिया होगा कि व्हाट आई वाज रेफरिंग टू. ये बैरीगाजा जो पोर्ट था, व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग रिलेशंस विद होम विद रोमन्स. अब देखिए आप यहां पर एम्पायर देखिए,
बे ऑफ बंगाल में तो दे हैव गॉट द एक्सेस. नाउ अब क्या हो गया, उनका ट्रेड फ्लरिश करेगा, इट विल गो मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मैनिफोल्ड हो जाएगा. अब क्यों? क्योंकि दे हैव गॉट द एक्सेस टू अरेबियन सी एंड इट हैपेंड बिकॉज ऑफ देयर मैट्रिमोनियल, बिकॉज ऑफ देयर मैट्रिमोनियल अलायंस पॉलिसी. दे मैरिड देयर, दे गॉट मैरिड, मैरिज रिलेशनशिप स्थापित की कहां पे, वकाटक से. तो ये रहा आपका वकाटक वाला एरिया. तो ठीक है, ये थोड़े विजुअलाइजेशन के लिए आई हैव इंक्लूडेड द मैप. अब अगर बात करते हैं ये जो तीन महान राजा रहे अपने समय काल के, देखिए कैसे कैसे इनका एक्सपेंशन हुआ. दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस अगेन. ये सबसे पहले जो आए चंद्रगुप्त वन, जिन्हें महाराजाधिराज कहा गया है. फिर उसके बाद ये समुद्रगुप्त ने एक्सटेंड किया ये टेरिटरी. दिस टेरिटरी वॉज एक्सटेंडेड बाय समुद्रगुप्त. Then came Samudragupta II, who established a relationship with Vakataks. ठीक है, ये आपका पोर्ट था. Now put together these three rulers occupied this much of territory. तो लगभग लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट का 70-80% जो हिस्सा था, जो भाग था, that was being occupied by these three leaders. अब कुछ और rulers के बारे में हम पढ़ते हैं. फायहान की बात करते हैं. फायहान इन्हीं के समय पे आए थे, तो इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू स्टडी विद दिस. 9 years ही स्टेड फॉर 9 years इन इंडिया एंड 6 years ही स्पेंट इन गुप्ता एम्पायर. ही केम बाय द लैंड रूट थ्रू खोतान और गंधार एंड पंजाब एंड ही विजिटेड पेशावर, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, काशी एंड बोध गया. ठीक है, एंड ही रिटर्न बाय द सी रूट विजिटिंग ऑन द वे सिलियन एंड जावा. आप मुझे बताइए सिलियन एंड जावा इज द प्रेजेंट नेम ऑफ विच कंट्रीज. ठीक है, जावा तो खैर कंट्री नहीं है बट सिलियन तो है. पर्पस ऑफ हिज विजिट. ठीक है, तो जो ये चाइनीज ट्रेवलर्स थे, दे केम हियर विद अ पर्पस. ठीक है, वो ऐसे नहीं आए मुंह उठा के कि चलो जी घूमने चलते. कहा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. भाई आसपास ही घूम लेते, वहीं पर घूमने चले जाते. गोभी डेजर्ट की तरफ वो घूमने जा सकते थे. आप बताइए मुझे जो गोभी डेजर्ट है वो कौन से कंट्री में है. पर्पस क्या था? टू सी द लैंड ऑफ द बुद्धा एंड टू कलेक्ट बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स. तो देखिए जितने भी बाहर से लोग आए चाहे वो चाइना से आए चाहे यूरोप से आए, एक काम भाइयों ने बहुत अच्छा किया, सब कुछ यहां से लूट के ले गए. भाई साहब हमारे लिए रखा ही कुछ नहीं. और लूट के ले जाने के बाद दे डिस्टॉर्टेड द थिंग्स. और आज जो हम पढ़ रहे हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिस्टॉर्टेड. बिल्कुल उन्हें ऊपर नीचे कर दिया गया है, हमें यही पता नहीं चल रहा है. यू जस्ट इमेजिन कि जो नेपोलियन 18, 19 और 20वीं सदी में एक महान लड़ाका रहा, हम क्या कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, हु रूल्ड, हु प्रूव्ड हिज मिलिट्री प्रोवेस, हु प्रूव्ड हिज ब्रेवरी इन फोर्थ सेंचुरी एडी. हम उन्हें उल्टा रेफरेंस दे रहे हैं. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पीपल हु केम फ्रॉम अदर कंट्रीज. दे जस्ट कॉपीड आर कंटेंट, चुरा के ले गए भाई साहब ये सब कुछ. ठीक है, प्लेजरिज्म का केस ठोकेंगे इनके खिलाफ. चलो बनिए, जरा आईएएस ऑफिसर बनिए और एचएएस ऑफिसर बनिए आप ऑफिसर, फिर करते हैं इनके खिलाफ कुछ मोर्चा खड़ा. ठीक है, ही स्टेड इन पाटलिपुत्र फॉर 3 years स्टडिंग संस्कृत एंड कॉपिंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट. भाई साहब को संस्कृत सीखनी पड़ी. रीजन भी, अब आप देख रहे हैं जो बुद्धिज्म पहले तो पाली लैंग्वेज में लिखा जा रहा था, बट वॉट हैपेंड, विच वॉज दैट मूवमेंट, वॉट वॉज द इंसिडेंट जहां पर स्प्लिट होता है बुद्धिज्म का महायान और हीनयान में. बताइए कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल थी. ऐसे ही आपको रिकैप करके चलते रहना है. मैंने आपको कहा ना, आपको ये जो एग्जाम है इट इज नॉट अबाउट रिमेंबरिंग थिंग्स, इट इज अबाउट रिकॉलिंग. तभी तो ऑप्शन दे रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं. अदरवाइज तो वो कैसा आपको ऑप्शन देते अगर ये गेम रिकॉल, अगर ये गेम रिकॉल करने की ना होती एग्जाम की, तो हमें ऑप्शन कैसे मिलते. हमें मिलते कि बताइए भाई जो फायान थे ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ --, फुल स्टॉप. अगर याद करने की गेम होती, बट इट इज गेम ऑफ रिकॉलिंग. वो 4 ऑप्शन देते कि चलो यार रिकॉल तो कर पाएंगे. ठीक है, इट वॉज बिकॉज ऑफ स्प्लिट ऑफ बुद्धिस्ट. ठीक है, कि लिटरेचर जो लिखा गया वो फिर किस में, वन ऑफ द ब्रांचेस अडॉप्टेड संस्कृत एज देयर मेन लैंग्वेज. ठीक है, फायान प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन द रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द गुप्ता एम्पायर
एम्पायर वॉज प्रॉस्परस। आपको एक चीज यहां पर देख लेनी है, हाईलाइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, रेड पेन से अपने नोटबुक्स नोटबुक्स में लिख लीजिए जहां आप नोट्स बना रहे हो। ही डिड नॉट सेड एनीथिंग अबाउट हुम, अबाउट पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बट ही डिड नॉट सेड एनीथिंग अबाउट पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द गुप्ता एम्पायर। बुद्धिज्म इज, और फिर इन्होंने क्या कहा, ही डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ बुद्धिज्म ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर। बुद्धिज्म इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉज फ्लरिशिंग, ठीक है, फ्लरिश कर रहा था, बढ़िया था, बिल्कुल अपने उछाल पर था। बुद्धिज्म इन गैंजेटिक वैली वॉज इन स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट। वाई, ही रेफर्स टू द गैंजेटिक वैली एज द लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म। तो दिस इज द सिंपलेस्ट रीजन फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। अब आपको ये चीजें समझ आ रही होगी, चीजों को देखिए कनेक्ट करके चलना है, तभी आप लंबे समय के लिए याद रख सकते हो। अब अगले राजा आते हैं कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त रूल्ड फ्रॉम 415 टू 445। जनरल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी इनके समय पर, ठीक है। ही इशूड अ नंबर ऑफ कॉइन्स एंड हिज इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑल ओवर द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। परफॉर्म्ड एन अश्वमेघ यज्ञ, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया था। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज He was the founder of Nalanda University, which emerged as an institution of international reputation. And then it was being considered what? It was being considered the learning center of higher education. अब बात करते हैं, Huns from Central Asia made attempts to cross the Hindu Kush mountains and invade India. भाई साहब, जो दुखी तो इन लोगों ने किया है हमें, जो Central India के ये जो इन्वेडर्स थे, ये जो ट्राइब्स थे छोटे छोटे, इनको जब कहीं भागने को नहीं मिला ना, जब इनको कहीं भागने को नहीं मिला, दे स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो तब लोगों को बहुत दिक्कत आई होगी, जो तब राजा रहे, जैसे कुमारगुप्त जैसे राजा, इनको बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, और आज जो समस्याएं तब उत्पन्न हुई, आज हमें उन्हें पढ़नी पड़ रही है एग्जाम के लिए। एनीवे, तो अब हम पढ़ते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इज ऑल्सो दी वन ऑफ द गुप्ता रूलर्स, ठीक है। तो इनके समय पे क्या हुआ, जो ये सेंट्रल ट्राइब्स थे हुन्स, ठीक है, दे इन्वेडेड दिस पर्टिकुलर लैंड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, बट दे वर रेपेल्ड बाय स्कंदगुप्त, बट इट पुट हैवी स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज ऑफ एम्पायर। तो मेरे साथियों, मेरे मित्रों, ये जो दुश्मनी है ना, ये बहुत भारी पड़ती है, चाहे किसी भी किस्म की हो। दुश्मनी जो काम है आपका, ये बहुत खर्चे वाला काम है। सो इट इज बेटर नॉट टू मेक योर एनिमीज, हम बहुत फ्रेंडली सबके साथ हमें रहना चाहिए, अदरवाइज आपका जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सही से नहीं हो पाता है। आपको पैसे तो इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पर, अपने बच्चों की पढ़ाई पर, अपने बच्चों की शिक्षा पर, अपने बच्चों के लिए अच्छा सा घर बनाने के लिए, अपने लिए अच्छा सा घर बनाने के लिए। अगर आपने गलती से अपने विरोधी तैयार कर लिए अपने आसपास या अपने फ्रेंड सर्कल में, आपने अपने विरोधी तैयार कर लिए अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, तो भैया जो आपका एक हैंडसम अमाउंट ऑफ योर रिसोर्सेज है, वो उधर जाना तय है। इस बात का प्रमाण हमें कहां से मिलता है, स्कंदगुप्त जी से। तो होन्स भाई देखो, कुछ तो हमें सिखाकर गए हैं, ये सेंट्रल एशियन है, ऐसा भी नहीं है। अब बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो 550 एडी आते आते इनका भी डिक्लाइन हुआ। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि जिस भी एम्पायर को लेकर हमने बात की कि व्हाट लेड टू देयर डिक्लाइन, फैक्टर्स वर ऑलमोस्ट लगभग कॉमन फैक्टर थे, ठीक है। तो जो लेटर रूलर्स थे, देवर वीक, दे कंटिन्यू, और जो हुनास थे, दे कंटिन्यूड देयर इन्वेजन। तो इससे हुआ क्या कि ये वीक हुए, और राइज ऑफ यशोधर्मा ऑफ मालवा, ठीक है, ये एक छोटा सा वहां पर सेक्ट रहा होगा, एक छोटी सी रियासत टाइप हम कह सकते हैं रही होगी, उसका एकदम उदय हो गया। क्यों? क्योंकि जो गुप्ता पीरियड था वो उतना शक्तिशाली नहीं रहा। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गुप्ता एम्पायर। किंग्स अज्यूम्ड टाइटल्स, किंग्स अज्यूम हाई टाइटल्स लाइक परमेश्वरा, महाराजा धीराज, चक्रवर्ती, इस तरीके के बड़े बड़ी उपाधियां वो अपने आप को देने लगे। प्रोविंसेस वर कॉल्ड भुक्तीस, ठीक है, गवर्नर्स वर कॉल्ड उपारिक्स, उपारिकाज, उपारिकाज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स वर कॉल्ड विश्याज, डिस्ट्रिक्ट के जो हेड थे विश्यापति, विश्यापति। विलेज हेड ग्रामिका, सिटी एडमिनिस्ट्रेटर, नगर श्रेष्ठ,
मतलब श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ होता है सिटी एडमिनिस्ट्रेटर। कुमार आमात्याज एंड आयुक्तास वर अपॉइंटेड टू हेल्प किंग इन मेंटेनिंग क्लोज कॉन्टेक्ट विद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सो दे एक्ट लाइक अ कनेक्टिंग एजेंट्स। ठीक है, तो वो एजेंट्स की तरह काम कर रहे थे कि प्रोविंसेस में क्या क्या होना है और राजा को क्या बताना है, क्या चीजें हो रही है। तो स्टेट स्टेट ऑफ द अफेयर ऑफ प्रोविंसेस शुड बी अप्राइज्ड, और राजा शुड बी अप्राइज्ड अबाउट द स्टेट ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस। फॉरेन अफेयर मिनिस्टर को कहा गया संधि विग्रह। ठीक है भाई, संधियां जो करवाएगा, ही वॉज कॉल्ड संधि विग्रह। विलेजर्स वर सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर एंड दे वर कॉल्ड विष्ठी। ठीक है, फॉर दिस सर्विस ऑफ ऑफिशियल्स के लिए। मेरा क्वेश्चन है टू पीपल ऑफ हिमाचल और टू द स्टूडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जिन्होंने हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ी है, कि फोर्स्ड लेबर को हिमाचल में कहा जाता था क्या? बेगार। ठीक है, इसका आंसर मैंने दे दिया। माई क्वेश्चन इज हु वॉज द लीडर हु लेड फ्रॉम द फ्रंट टू एलिमिनेट दिस सिन कॉल्ड बेगार। कि भाई बेगार प्रथा के विरुद्ध एक ऐसे शासक रहे हैं, एक ऐसे नेता रहे हैं हिमाचल के, हु टुक अप द स्टैंड एंड प्रोवाइडेड लीडरशिप एंड एलिमिनेटेड दिस सिन फ्रॉम आर स्टेट। आप उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब पढ़ते हैं फायान के बारे में, कि जो फायान थे, ही वाज वंस अगेन फायान इज ही वाज चाइनीज ट्रेवलर। ठीक है, तो चाइनीज ट्रेवलर थे, इन्होंने क्या कहा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास को लेकर, कि यहाँ का जो शासन था वो किस तरीके का था। तो ही सेड कि एडमिनिस्ट्रेशन इज लिबरल माइल्ड एंड बेनेवोलेंट, दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स, एंड इट इज इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू मौर्यंस, देयर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज क्वाइट रिप्रेसिव। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट वो सजाएं मौत सुनाते थे, कूटते थे भाइयों को पकड़ के, बढ़िया से चमड़ी उधेड़ देते थे अगर कोई गलती करे तो। ठीक है, दे यूज टू गिव कैपिटल पनिशमेंट एज वेल, मतलब सजाएं मौत, फांसी। ठीक है, वेरी फ्यू क्राइम्स इन दिस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, क्राइम्स जो थे वो उतने ज्यादा नहीं होते थे। पनिशमेंट्स इज मोस्ट सॉफ्ट, मोस्ट इज मोस्टली फाइन, मतलब फाइन जैसे जुर्माना लगा दिया आपने, फलानी कोई गलती की है तो उसके लिए 100, 200, 400, 500 रुपए जो भी डिसाइड किया। पीपल आर प्रॉस्परस, भाई ये प्रेजेंट टेंस में जरूर आया, बट हम पढ़ इसको किस कॉन्टेक्स्ट में रहे हैं कि तब फायान ने ये कहा होगा। रोड्स आर सेफ फॉर ट्रेवलर्स, तब के जो रोड से या जो तब के जो रास्ते थे, दे वर सेफ फॉर ट्रेवलर्स, मतलब वहां पर लूटपाट नहीं होती थी। अब बात करते हैं सोशल लाइफ की, भाई उस समय सोशल लाइफ कैसी रही होगी। तो कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड। ठीक है, अंटिल मौर्यन के टाइम तक क्या था भाई, इट वॉज बेस्ड ऑन वट, प्रोफेशन था। हालांकि हमने वहां पर भी देखा कि अब जो था, जो जिस स्ट्राटा में बना हुआ था, इस हायरार्की में जो जहां पर बना हुआ था, जिस लेवल पर, वहां से मूव करने के लिए एकदम रिजिड हो गया था। खासकर जो ब्राह्मीण थे, दे वर नॉट रेडी टू मूव डाउन इन द लैडर। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो एकदम बिल्कुल रिजिडिटी आ गई, यहाँ पर हो गया कास्ट सिस्टम टाइप शुरू आपका। ठीक है, अनटचेबिलिटी एंटर्ड सोशल ऑर्डर, अनटचेबल्स। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड माई क्वेश्चन टू यू इज कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वट इज द आर्टिकल नंबर, ठीक है, विच इज द आर्टिकल वेयर इट हैज बीन एक्सप्लिसिटली सेड दैट अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। क्या वो आर्टिकल 17 है, 14 है, 18 है, या 27 है, या आर्टिकल 127 है, या 142 है, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो अनटचेबिलिटी एंटर्ड सोशल ऑर्डर, चंडाल्स वर सेग्रीगेटेड। ठीक है, तो भाई जो चंडाल जिन्हें कहते हैं हम, दे वर सेग्रीगेटेड। ब्राह्मण्स फॉर्म द टॉप लेडर एंड रिसीव्ड न्यूमरस गिफ्ट्स। तो ब्राह्मण्स तो जो है ना, वो तो हमेशा टॉप में ही रहे हैं भाई। ठीक है, ब्राह्मणिज्म रेन्ड सुप्रीम ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड एंड हैड टू ब्रांचेस मेनली। अब यहां पर डिविजन होना स्टार्ट हो गया है, वैष्णविज्म एंड शैविज्म, विद द फॉर्मर बीइंग मोर प्रेवलेंट। रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड विद एलेबोरेट रिचुअल्स, वेयर एज इट वॉज नॉट एज एविडेंट फ्रॉम आर प्रीवियस स्टडीज, की बुद्धिज्म जो था, जो जैनिज्म था, दे वर नॉट फॉन्ड ऑफ सेलिब्रेटिंग सच सेरेमनीज, एंड दे स्टेटेड एवरीथिंग अगेंस्ट सच सेरेमनीज। ठीक है, इमेज वर्शिप यहाँ पर शुरू होने लग गई थी, मतलब शुरू हुई यहाँ पर इमेज वर्शिप, मूर्ति पूजा जिसे हम कहते हैं।
वुमेन्स पोजिशन डिटीरियोरेटेड एंड दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी स्क्रिप्चर्स लाइक पुराणों ने स्टडी नहीं करने दिए गए. एरन इंस्क्रिप्शंस ऑफ मध्य प्रदेश प्रोवाइडेड अस विद द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ सती प्रथा. अब जो सती प्रथा थी उसके अर्लीस्ट एविडेंस हमें कहां मिलते हैं, एरना इंस्क्रिप्शन से, और ये मध्य प्रदेश में है. अब आप देखिए देखिए इन चीजों को पढ़ना क्यों जरूरी है और कनेक्ट आपको कैसे करना है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अदर फॉर्मूला, कनेक्टिंग दी डॉट स्ट्रेटेजी. अब ऐसा नहीं है आपने यहां पर पढ़ लिया और भैया भूल गए. सती प्रथा थी क्या, जो नए बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं है मैं आपको समझा देता हूं. सती प्रथा वॉज वॉलेंटरली एमोलेशन, अपने आप को जलाना वॉलेंटरली. अगर मान लीजिए ए इज पत्नी एंड बी इज हर पति, मान लीजिए ए के जो पति हैं बी, उनकी किसी कारण मौत हो जाती है, किसी कारणवश मौत हो गई. अब ये मर गए तो जो गांव वाले हैं या तो वो इनको उठाकर इनकी जो पायरी जिसे हम कहते हैं ना, जहां पर मुर्दे को रखा जाता है जलाने के लिए, मुर्द घाट आप ऐसे समझ लीजिए, या ये वॉलेंटरली जब उसके पति मरे हुए पति को आग लगाई जाएगी तो ये भी जाके उस पायरी पर उस मुर्द घाट में जाकर सो के अपने आप को जला देगी. ठीक है, तो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सती. अब सती को कनेक्ट कैसे करना है आपने, देखिए जब मॉडर्न इंडिया हम पढ़ेंगे, जब हम रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पर हम राजा राममोहन रॉय जी के बारे में पढ़ेंगे. ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एबोलिशन ऑफ दिस सती प्रथा. ही टूक अप द चैलेंज. हाउएवर द टास्क वॉज रियली डॉन्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट इन 1828 ही गॉट सक्सेस व्हेन द देन गवर्नर विलियम बेंटिक, ठीक है, जो विलियम बेंटिक थे ही सपोर्टेड हिम. और 1829 में दिस प्रथा गॉट एलिमिनेटेड, कॉल्ड सती प्रथा. तो ऐसे चीजों को आपको कनेक्ट करके चलना है तभी आपको, अदरवाइज तो देखिए एंशियंट हिस्ट्री होती नहीं अगर इसके रेलेवेंस ना होती तो. आप समझिए अभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ना बाकी है. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो द गुप्ता पीरियड विटनेस्ड अ ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट साइंस एंड लिटरेचर. एंड इट इज ऑन दिस अकाउंट दैट दिस एम्पायर हैज बीन कॉल्ड अ गोल्डन एज. ठीक है, ये इसी कारणवश है जो साइंस आर्ट और लिटरेचर में डेवलपमेंट हुआ, इट वॉज बींग कॉल्ड द गोल्डन एज, स्वर्णिम काल कहा गया है. अब आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. गुप्ता एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया इन फील्ड ऑफ आर्ट साइंस एंड लिटरेचर. ठीक है, नागर एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इवॉल्व्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. टेम्पल स्कल्पचर्स एंड केव पेंटिंग्स फ्लरिश्ड. भाई कहां मैंने रेफर किया था, कारवेल करके केव का एविडेंसेस कहां से मिलते हैं, जिसका टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर था, हाउएवर इट वॉज नॉट पर्टिकुलरली टेम्पल. तो टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर कहां से इवॉल्व होने शुरू हुए, दे इवॉल्व फ्रॉम दिस वेरी एरा कॉल्ड गुप्ता एरा. दिल्ली आयरन पिलर, कॉपर बुद्धा स्टैचू, दिस शोज देयर मेटोलॉजी प्रोवेस कि हाउ एडवांस देवर इन देयर मेटोलॉजी. ठीक है, देवघर टेम्पल इन झांसी, हम आगे फोटो देखेंगे. म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा एज टोल्ड बाय जातक टेल्स. ठीक है, जो जातक की कहानियां थी. ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, इसे हम सेपरेटली टेकअप करेंगे. बट आई हैव इंक्लूडेड कि एक क्रोनोलॉजी जो है, एक जो हमारी अप्रोच है स्टडी को लेकर, वो क्या होनी चाहिए एंड हाउ कंटेंट शुड बी प्रिपेयर्ड और स्टडीड. देखिए ये मेरा एक प्रयास है, अब आपको पता नहीं कितना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, बट इनकेस यू आर फाइंडिंग इट गुड, आप इसको अपने और साथियों के साथ भी साझा कीजिए, लेट देम ऑल्सो लर्न. बाघ केव्स, रॉक कट केव्स है, बुद्धिस्ट विहार, म्यूरल्स पेंटेड ऑन वॉल्स. ठीक है, उदयगिरी केव्स, वाहरा अवतार ऑफ विष्णु हैव बीन फाउंड हियर और हैव बीन डिपिक्टेड, इमेजेस आई हैव included for you people. तो अब आप यहाँ पर देखिए, this is that देवघर temple of झांसी. अब आप देखेंगे, आप कहेंगे कि जी ये तो है भी नहीं एक temple की तरह, but this is the most crude form, this is the crudest form. अभी तो भाई क्रूड ऑयल की तरह आ रहा है, पेट्रोल डीजल, ये ऐसे बड़े बड़े मंदिर तो बाद में बनेंगे, सन टेम्पल, आपका राम टेम्पल,
राम टेम्पल तो चलो अभी मोदी जी बना रहे हैं, बट सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, इस तरीके के जो टेम्पल्स है, बड़े बड़े दुर्गा के टेम्पल, ये धीरे धीरे इवॉल्व होने शुरू होंगे। अभी तो क्या है, ये अभी तो बेसिक है, बेसिक, दिस इज द क्रूड स्ट्रक्चर, दिस इज द बिगिनिंग, बिगिनिंग, इट इज एट बिगिनिंग स्टेज। जैसे क्रूड ऑयल होता है ना एकदम बिल्कुल काला, और फिर जब डलता है कहाँ, डिस्टिलेशन कॉलम में, तो उसके अलग 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 प्रकार डिफरेंट टेम्परेचर पर निकल कर आते हैं। इसी तरीके से जब ये हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल इवॉल्व होता है, तो हम देखते हैं द्रविडियन स्टाइल, नागर स्टाइल, तो ये कैसे, ये भी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स है, बट इट इज नॉट ऑफ दैट ऑफ टेम्परेचर ऑफ दैट क्रूड ऑयल, इट इज टेम्परेचर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ज्योग्राफी विल डिफाइन कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मटेरियल मटेरियल इज देयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। और ये आप देखिए वराह अवतार में विष्णु जी को ये उदयगिरी केव से आपको मिला है, और देखिए ये कटा हुआ सर है, पता नहीं मैं ठीक से आपके लिए फोटो ला पाया हूँ, बट ये जो सर है ना, ये इनका कटा हुआ सर है, वराह अवतार, ठीक है। वराह किसे कहा गया है, विष्णु को, और वराह इज व्हाट, वराह किसे कहा गया है, पिग, पिग जो होता है सुअर जिसे आप कहते हो। और ये किसने, अब आप सोचिए कि ये जो गर्दन है विष्णु भगवान की वराह अवतार में, किसने उड़ाई होगी, दिस वॉज बींग कट अपार्ट बाय, और दिस वॉज बींग कट ऑफ बाय मुगल्स, जो मुसलमान थे, क्योंकि जो सुअर है उसको तवज्जो दी गई है इस्लाम में, वो हम आगे पढ़ेंगे जब मुगल्स की हम बात करेंगे। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ आर्ट साइंस एंड लिटरेचर दैट गुप्ता एरा इज कॉल्ड गोल्डन एज। तो लिटरेचर देखते हैं, संस्कृत बिकेम प्राइमरी लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संस्कृत बिकेम प्राइमरी लैंग्वेज, राइटिंग इन एपिक लिरिक्स ड्रामा एंड प्रोज स्टाइल, राइटिंग जो अब वो एपिक्स की हो गई थी, ड्रामा, ड्रामा बताइए, विच रेस इंट्रोड्यूस्ड ड्रामा इन इंडिया, विच रेस, रिमेंबर, रेफर टू योर नोट्स, ब्रह्म स्क्रिप्ट टू नागरी स्क्रिप्ट, अब एवोल्यूशन हो रहा है, जैसे फिर नागरी से क्या हो जाएगी, देवनागरी, विच इज इन प्रेजेंट फॉर्म, मैनी पुराणास प्लस रामायण महाभारत वर कंपाइल ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। तो पुराण कितने थे, 18 थे, चार इंपॉर्टेंट बता दीजिए जरा आप, जो हमने कॉमन पार्लांस में हम सुनते हैं, या कभी जब कथाएं भी होती है तो सुनाई जाती है, जैसे आपका हो गया भगवत, भगवत पुराण हो गया आपका, विष्णु पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें समझ लेनी है। मुद्र रक्षकाज एंड देवी चंद्रगुप्तम, ये दीज आर टू बुक्स और ड्रामाज रिटन बाय विशाखा दत्त। अब आप देखिए जो मुद्र रक्षकाज है, इट व्हाट डज इट टॉक अबाउट, इट टॉक्स अबाउट दी चंद्रगुप्त मौर्य, दैट हाउ डिड ही गेन्ड दी एम्पायर फ्रॉम नंदा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, देवी चंद्रगुप्तम इट प्रोवाइड दी डिटेल्स अबाउट हुम, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त कौन सा, वन और टू बताइए, रेफर टू प्रीवियस स्लाइड और नोट्स, ठीक है। तो वो बताते हैं चंद्रगुप्त जो गुप्त डायनेस्टी के थे, मृच्छकटिका इट वॉज रिटन बाय शूद्रक, काव्य दर्शन एंड दस एंड दशा कुमार चरिता, ठीक है, दशा कुमार चरिता वॉज रिटन बाय दंदी, ये दंदी होगा, दंदी, दंदी वॉज द राइटर, एंड वसवदत्त वॉज रिटन बाय शुभेंदु। तो ये राइटर्स के नाम है, देखिए बुक्स के इंपॉर्टेंट नाम है, अब इनके डिटेल में जाना तो वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, क्योंकि एग्जाम में इनके नाम और राइटर्स के नाम पूछे जाते हैं, बट आई एम गिविंग यू इट एज अ वर्क और इट एज एन असाइनमेंट कि आप अपने एंड पर इनके नाम लिखिए, जैसे मृच्छकटिका के बारे में आप लिखिए कि, और दो चार लाइनें पढ़ लीजिए कि व्हाट वाज दीज बुक्स ऑल अबाउट। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी कालिदास, ठीक है, कालिदास के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, वी आर सपोज टू स्टडी देम एंड लर्न देम, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप एक चीज देखिए यहाँ पर, कालिदास को जो कहा जाता है ना शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जैसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्या नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसी तरीके से जो ये यूरोपियन हिस्टोरियंस थे, दे अगेन वैल्यूड देयर ओन पीपल, एंड हमारे लोगों की इन्होंने थोड़ी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब आप सोचिए ना, ये सोचने वाली बात है कि शेक्सपियर जो है वो लगभग एज 1000 साल, 1000 साल बाद जन्मा कालिदास के, ठीक है, कालिदास जी 1000 साल पहले जन्म ले चुके थे, तभी इतने बड़े बड़े ग्रंथ रच चुके थे, लेकिन यूरोपियंस है ना, उन्होंने कहा कि भैया आप जब मर्जी जो मर्जी कर लो, we will value our own people only, so that's why we are bound to study it like that, कि भाई होना तो it should be inverse, होना तो inverse चाहिए था,
शेक्सपियर शुड बी कॉल्ड व्हाट? शेक्सपियर शुड बी कॉल्ड कालिदास ऑफ यूरोप, बट हम कह क्या रहे हैं, हम कुछ उल्टा कह रहे हैं। चलिए, अब इतिहास ऐसे ही हमारे सामने रखा गया है, हमें ऐसे ही पेश किया गया है, तो हमें पढ़ना भी वैसे ही पड़ेगा। कालिदास का जो ड्रामा था अभिज्ञान शकुंतलम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्ले इनका था विक्रमो वर्षी एंड मालविका अग्निमित्रम। बताइए मुझे अग्निमित्रम कौन से डायनेस्टी के रूलर थे? मालविका अग्निमित्रम। एपिक जो इन्होंने लिखे हैं रघुवंशम एंड कुमार संभवा। लिरिस्ट जो लिरिक इन्होंने लिखे हैं ऋतु ऋतु संहारा एंड मेघदूत। मेघदूत ये बहुत बढ़िया कविता है, कभी आपने पढ़ी हो, छठी में ये शायद कविता थी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, मेघदूत, ठीक है। पंचतंत्र जो लिखा है दैट वाज बीइंग रिटन बाय विष्णु शर्मा। ध्यान रखिए ये विष्णुगुप्त से, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, विष्णुगुप्त इज द अदर नेम ऑफ कौटिल्या, ठीक है, ध्यान रखिए। एंड ही वाज एडवाइजर ऑफ होम, ही वाज द एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, विच इज नॉट टू कंफ्यूज विद होम, चंद्रगुप्त टू ऑफ द गुप्त एम्पायर। अमरकोश हैज बीन रिटन बाय अमर सिमा इन संस्कृत। तो जो अमरकोश है ना, इट इज अ सॉर्ट ऑफ थिसोरस। अब जो थिसोरस होती है क्या होती है, एक तो शब्दकोश हो गया आपका, ठीक है, जिसे आप डिक्शनरी कहते हो, उसमें तो सिर्फ मीनिंग्स दिए होते हैं, बट जो थिसोरस होती है इट प्रोवाइड्स यू द डिटेल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सारी हर चीज बताता है कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड है आपका। सो दिस इज हाउ, सो दिस अमरकोश हैव बीन रिटन बाय अमर सिमा। अब भारवी एक रहे राइटर, ही रोट कृत अर्जुन्या, ठीक है। तो ये सीधी सीधी चीजें याद करने वाली है। और एक किताब जो आपको और याद रखनी है, मैं लिखनी भूल गया, अष्ट अध्याय। आप मुझे बताइए अष्ट अध्याय क्या है? इट इज अ बुक ऑन ग्रामर। अष्ट अध्याय क्यों कहा गई? क्योंकि उसमें ना वी विल स्टडी अबाउट द साइंटिफिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। द गुप्ता पीरियड विटनेस्ड ब्रिलियंट एक्टिविटी इन द एरिया ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिसिन, ठीक है। आर्यभट्टा रोट आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांता। वारामित्रा रोट पंच सिद्धांता, फाइव एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम। बृहत रोट जातक, इट वॉज अ बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। बृहत संहिता, मतलब बृहत रोट बृहत संहिता। ये जो बाघ भट्टा थे, दे रोट अष्टांग संग्रह, ठीक है, अष्ट संग्रह, नॉट अष्टांग, अष्ट संग्रह, कंपेंडियम ऑन एट ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। चरक रोट व्हाट? चरक संहिता। सुश्रुत रोट सुश्रुत संहिता। सुश्रुत जो थे ईव सर्जन, और जो चरक थे ईव फिजिशियन। तो आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये चीजें आपको ज्यों की त्यों याद रखनी है, दे आर एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए। आगे बढ़ेंगे हम हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है, कि हर्षवर्धन का जो समय काल था दैट वॉज फ्रॉम 606 to 647 AD। आप मुझे सेंचुरी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। आफ्टर गुप्ताज डिक्लाइन, पुष्यभूति फैमिली ऑफ फिडुटरी ऑफ गुप्ताज फ्रॉम थानेसर एक्सटेंडेड देयर रूल ओवर नॉर्दर्न इंडिया। तो जो थानेसर वाली सिटी हम अभी देखेंगे आगे मैप पर कहां है, हरियाणा और पंजाब वाला जो एरिया है, ठीक है। द फाउंडर और द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर वॉज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर रूलर वॉज प्रभाकर वर्धन। So he was the first important ruler. Again, my dear friends, आपको कोई doubt है, कोई query है, you can just reach out to me on helpneeti2021@gmail.com. आपको lectures अच्छे लग रहे हैं, आप अपने साथियों के साथ भी share कीजिए, lecture को आगे बढ़ाते हैं। So this is the area, ठीक है, आप देख रहे हैं ये पुष्यभूति, यहाँ पर आप dynasty देख रहे हैं और छोटे छोटे। अब आप late गुप्ता देखिए कि कहाँ तो उनका area पूरा, ये area उनका जो था यहाँ तक पूरा area उनका था, और अब लेट गुप्ताज हैव बीन डेसिमिनेटेड और दे हैव बीन कन्फाइंड टू दिस पर्टिकुलर एरिया। तो आप देख लीजिए, अब थोड़ी देर में जब हम आगे हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है यहाँ से, आप ध्यान रखिएगा, मेरे पास इसमें पीछे स्लाइड को पीछे करने की फैसिलिटी नहीं है अभी, लेकिन आपके पास है, पॉज कीजिए, पीछे जाइए और ध्यान रखिएगा फिर, ठीक है। ये पुष्य भूति थे, ठीक है, थानेसर वाले लोग। ये थोड़ी देर में ना आप देखिएगा, जब हिस्ट्री हम आगे पढ़ेंगे तो ये पूरा एरिया जो है नॉर्दर्न इंडिया वाला, ये उज्जैन वाला, ये पूरा एरिया इनके कंट्रोल में आ जाएगा। ये 590 AD के आसपास की बात है। अगेन दीज मैप्स आर ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन और फॉर विजुअलाइजेशन पर्सपेक्टिव। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट हर्षाज कॉन्क्वेस्ट, कि हर्ष ने अपने आप को कैसे हर्षो उल्लासित किया, जीत कर, भाई जीत कर उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जीता और अपना प्रभुत्व स्थापित किया।
ही बिकेम किंग एट द एज ऑफ 16। देख रहे हैं आप, हर्ष हर्ष जो थे वो 16 साल में राजा बन गए। हम और आप क्या कर रहे थे 16 साल में? अगर हमें ये याद रह जाए कि हम 16 साल में क्या कर रहे थे, तो मैं सही कहूं हमें इस तरीके के जो लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं या जो आप सुन रहे हैं या मैं जो अब समझ कर आपको समझा रहा हूं, करने की जरूरत ना पड़ती अगर हम भी हर्ष जैसे काबिल होते 16 साल में। कम से कम थोड़े अवेयर तो हम हो ही सकते थे यार 16 साल में, बट वी वर नॉट एट ऑल अवेयर। और ये देखिए, आप भी अपने लेवल पर इसको सोचिएगा, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है लाइफ में। कि हम सब ने एक चीज जरूर कही है, आपका पता नहीं, मैं जरूर कहता था यूनिवर्सिटी में कि जी, जब कहीं फंसता था ना कि ये तो बेसिक्स है, ये तो आपको आने चाहिए, कि जी मैं तो गांव से पढ़ाऊँ, सरकारी स्कूल से पढ़ाऊँ, वहां पर इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है। बट दिस वॉज नॉट द केस, पढ़ाया जाता था बट हम खुद से नहीं पढ़ते थे, चीजों को नहीं समझते थे। तो इट इज आर फॉल्ट, वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल एज वेल, मतलब वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वट इज हैपनिंग टू अस। ठीक है, अब हर चीज का दोष हम सिस्टम को देंगे, टीचर्स को देंगे, पेरेंट्स को देंगे, फैमिली को देंगे, तो भाई खुद क्या करेंगे हम? तो फिर वो बन गए दोष देने वाले। ऐसे हम आईएएस या आईएएस या कोई एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ी ना बनेंगे, हम बनेंगे दोष देने वाले कि भाई क्या करते हो, कि जी हम तो अपनी सफलता और विफलता का दोष या क्रेडिट किसे देते हैं? औरों को, और कुछ भी नहीं करते हैं, बट हमें और कुछ करना है, बहुत कुछ करना है सिस्टम के लिए। ठीक है, ही मेड कन्नौज हिज कैपिटल एंड सीट ऑफ पावर। आपको एक चीज समझ लेनी है, जो कन्नौज है, कन्नौज का अब तक तो नक्शा जो है आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। कन्नौज ये लगभग लगभग आप ऐसे मानिए, जो कन्नौज वाला आपका एरिया था, ये आपकी रिवर गंगा यहां से निकल रही है, और इन द विसिनिटी ऑफ रिवर गंगा कन्नौज वॉज लोकेटेड। तो वाई मोस्ट ऑफ द रूलर्स वर फोकस्ड अबाउट कन्नौज? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, यहां से आप चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, आपको जहां भी जाना है। अब ये फूड बास्केट तो कहेंगे ही हम इसको, यहां से आपको खाने की जो आपूर्ति है वो तो पूरी हो ही रही है, एग्रीकल्चर की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी हो रही है, टैक्स की रिक्वायरमेंट, जो टैक्स आप, भाई टैक्स भी तो आप वहीं लगा सकते हो ना जहां प्रोस्पेरिटी होगी। अब गरीबों पर क्या टैक्स लगाओगे भाई? मरे हुए को कैसे मारोगे और कितना मारोगे? तो यहां पर दिस इज द रीजन कि जो कन्नौज है, कन्नौज हैज ऑलवेज बीन द सीट ऑफ डिस्प्यूट अमंगस्ट रूलर। ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। He became the last हिंदू रूलर ऑफ entire नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो इसने कहा उत्तर पथेश्वर। ठीक है, उत्तर पथेश्वर ही सेड हिमसेल्फ, थोड़ा टाइम लग गया, उत्तर पथेश्वर। ठीक है, थोड़ा आप भी इसको प्रोनाउंस कीजिए, उत्तर पथेश्वर ही सेड फॉर हिमसेल्फ। डायरेक्ट कंट्रोल ओवर राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार और उड़ीसा वाला जो ये एरिया है, यहाँ पर इसका डायरेक्ट कंट्रोल रहा था। मैंने कहा था आपको कि आप पिछले वाला जो मैप है उसको दोबारा खोलिए और देखिए ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर मैंने इसको नहीं कवर किया है। एंड ही सेड कि जो आप ओवर स्टेट्स, हाँ, ही हैड सुजेरनिटी ओवर स्टेट्स लाइक कश्मीर, सिंध एंड वल्लभी। ही स्टार्टेड लुकिंग वेयर, ही स्टार्टेड टू लुक साउथ वार्ड्स। अब हम साउथ की तरफ आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये मैप आपको इंक्लूड किया है। एंड द डायनेस्टी, हिज कंटेम्पररी डायनेस्टी जो थी, दैट वॉज द चालुक्यास ऑफ साउथ, साउथ में जो चालुक्यास थे। तो ये है चालुक्यास की टेरिटरी, मतलब एक रफ आइडिया आप ले लीजिए, वातापी में उनका क्या था, कैपिटल था। आगे पढ़ते हैं, तो जो पुलकेशिन टू है, पुलकेशिन टू डिफीटेड हर्षा एंड फोर्स्ड हिम टू रिट्रीट एट द बैटल ऑन नर्मदा। आप पिछला मैप देखिए, जो बाउंड्री है दैट इज इन मध्य प्रदेश, जो विंध्या रेंज के आसपास की बाउंड्री है, तो नर्मदा जो रिवर है दैट वॉज बींग डिसाइडेड एज द बाउंड्री बिटवीन चालुक्यास एंड हर्षवर्धन। तो आपको एक आईहोल इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, एंड इट इज वन ऑफ द सरकास्टिक इंस्क्रिप्शन आई हैव फाउंड और आई हैव स्टडीड अबाउट सो फार। मतलब देखिए यहां पर कैसे धज्जियां उड़ाई गई है हर्षवर्धन जी की, पढ़िए। आईहोल इंस्क्रिप्शन कर्नाटका में आपको मिलेगी, अब पढ़िएगा। द माइटी हर्षा लॉस्ट हिज हर्षा, मतलब जॉय या हर्ष, व्हेन ही सफर्ड द इग्नोमनी ऑफ डिफीट। वाह 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 वाह, क्या मस्त, क्या मजेदार तरीके से धोया है राइटर ने किसको, हर्षवर्धन को। ठीक है, द माइटी हर्षवर्धन, जो अपने आप को क्या कह रहे थे, उत्तर की क्या कह रहे थे, कि मैं अपने पूरे नॉर्थ इंडिया का अधिराज हूं, उत्तराधिराज,
ठीक है, द माइटी हर्षा लॉस्ट हिज हर्षा, मतलब खुशी गायब होगी, व्हेन ही सफर्ड द इग्नोमनी डिफीट, जब उन्होंने सफर्ड की किसके हाथों से, पुलकेशिन टू के। एकदम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। हर्ष और बुद्धिज्म की अगर हम बात करते हैं तो हर्ष और बुद्धिज्म का क्या नाता रहा है, बहुत गहरा नाता है, आइए पढ़ते हैं। इन अर्लियर अर्लियर ही वॉज डिवोटेड टू इन हिज अर्लियर टाइम ही वॉज डिवोटेड टू शिवा, बट लेटर ही बिकेम एन आर्डेंट महायान बुद्धिस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज पिलग्रिम हुन सांग। ठीक है, तो जो ये हुन सांग थे ये बहुत ही बढ़िया आदमी रहे। अभी हम आगे देखेंगे कि इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है भारत को लेकर, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में इन्होंने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ही बैंड स्लॉटर्ड एंड बिल्ट स्तूपाज एंड मोनेस्ट्रीज, दिस शोज हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स द बुद्धिज्म। वंस इन फाइव ईयर ही कन्वीन्ड अ गैदरिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल रिलीजन। तो ये है पैट्रोनेज, ठीक है, इसको कहते हैं पैटर्न। जैसा हमने कहां पढ़ा था, बुद्धिस्ट काउंसिल्स में कन्नौज असेंबली एक इन्होंने कंडक्ट की 5 साल में, और उसके 5 साल बाद प्रयागराज असेंबली इन्होंने कंडक्ट की। तो क्या हुआ कन्नौज असेंबली में, वेयर इन कन्नौज असेंबली ही एक्सप्लेन्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ महायान बुद्धिज्म, ठीक है, एंड क्लेम्ड हिज सुपीरियोरिटी ओवर अदर स्टेट्स एंड ऑनर्ड चाइनीज पिलग्रिम हुन सांग। ठीक है, हुन सांग को इन्होंने यहां पर ऑनर किया था। प्रयागराज असेंबली वॉज मार्क्ड बाय ग्रेट चैरिटी, ये कहा जाता है कि इवन ही गेव हिज क्लोथ्स अवे इन चैरिटी, जब सब कुछ सोना चांदी देके खत्म हो गया था भाई को, जब भाई के पास कुछ था ही नहीं, तो लास्ट में अपने कपड़े उतार कर भी दे दिए। तो ये ऐसे भी महान राजा रहे हैं। आज के आप राजा देख लीजिए, आज के राजा कौन है, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, ये हमारे कपड़े उतारने में लगे हुए हैं भाई साहब। एक राजा वो थे जो अपने कपड़े उतार कर घर चल दिए। एक राजा आज है जो अलग अलग तरीके से, चाहे वो आप रिश्वत के माध्यम से, या जो ऑपरेसिव टैक्स सिस्टम है, या अलग अलग परपंचों के माध्यम से हमारे कपड़े उतारने पर तुले हैं। इनको लेकर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षवर्धन के टाइम की बात करते हैं। सो सी हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑन गुप्ता लाइन, एंड वाई, बिकॉज वट एवर ही इनहेरिटेड इट वॉज फ्रॉम गुप्ता ओनली। ठीक है, तो जो लैंड टैक्स था आपका, लैंड टैक्स वॉज 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, सिमिलरली था, पनिशमेंट्स वर क्रूअल। उन्होंने एक जो काम किया था, ही स्टार्टेड नीलोपितु। ठीक है, नीलोपितु क्या था, इट वॉज पब्लिक रिकॉर्ड्स और आर्काइव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करेंगे उनके हम रिकॉर्ड रखेंगे, और उसको नाम दिया गया नीलोपितु। ठीक है, नीलोपित भी कह सकते हैं, नीलोपितु वुड बी मोर एप्रोप्रिएट। अब सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी की उस समय क्या थी, इट वॉज अ 4-क्लास वर्ना सिस्टम। ठीक है, वर्ना सिस्टम था, और जो सब कास्ट थी वो भी एग्जिस्टेंस में आ गई थी। Brahmins were given land grants by kings. Remember, 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 याद कीजिए, who were the first to give land as a gift to Brahmins? Comment कीजिए भैया फटाफट, your participation is also important यार। Position of women not very good. Position जो women की, जो महिलाओं की दशा थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। Widow remarriages were not allowed. Swayamvar, जिसे स्वयंवर का मतलब होता है कि औरत को, लड़की को इट वॉज बींग फ्रीडम वॉज बींग गिवन टू चूज और टू सिलेक्ट हर ओन हस्बैंड। ठीक है, सती एंड डाउरी वर प्रेवलेंट। सती, आई टोल्ड यू कि सती क्या थी, अपने पति के साथ उसको भी जलना होता था, दैट वॉज सती। शार्प डिक्लाइन इन ट्रेड, लेस नंबर ऑफ कॉइन्स, लेस मर्चेंट गिल्ड एक्टिविटीज। तो नाउ यू कैन सी कि अब जो सोसाइटी है इनका भी अब पतन हो रहा है, इनका भी अब डिक्लाइन हो रहा है। यस, दिस पतन इज द वर्ल्ड, याद ही नहीं आ रहा था यार। तो अब हम देखेंगे कि इनका डिक्लाइन कैसे होना शुरू हो चुका था, और धीरे धीरे ये भी पावर से चले गए। अब सोर्सेस की बात करते हैं, जहां से हमें इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में, इतिहास को लिखने में मदद मिली हर्षा के बारे में। इट वॉज द मेन सोर्सेज हर्ष चरिता। चरिता का मतलब होता है बायोग्राफी, मतलब चरित्र के बारे में लिखा जाता है। हर्ष चरिता वॉज रिटन बाय बाणभट्ट, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा। ठीक है, हिज ट्रेवल अकाउंट, ट्रेवल अकाउंट ऑफ ह्यून सांग, ये जो ह्यून सांग थे चाइनीज ट्रेवलर, इनके जो ट्रेवल अकाउंट है, इस पर मैंने आपके लिए एक सेपरेट स्लाइड बनाई है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जो इन्होंने खुद ड्रामास लिखे हैं, दैट वॉज रत्नावली, नागानंद, प्रिय दर्शिका, ये आपको एकदम बिल्कुल याद रख लेने हैं। रत्नावली, नागनंदा, प्रनाउंस कीजिए मेरे साथ, बोलिए, प्रिय दर्शिका,
दे आर द ड्रामाज रिटन बाय हर्षा हिमसेल्फ. मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से वी फाउंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिम. सोनीपत इंस्क्रिप्शन इज द अदर सोर्स एंड बांसखेरा, ठीक है, बांसखेरा इंस्क्रिप्शन कंटेन्स द सिग्नेचर ऑफ हर्षा. आप मुझे बताइए जो बांसखेरा इंस्क्रिप्शन है ये कौन से स्टेट में या जो इसका लोकेशन है वो कहां पर है प्रेजेंट इंडिया. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट ह्यून सांग. ठीक है, ह्यून सांग एक चाइनीज ट्रेवलर थे, हर्षवर्धन के समय पर ही आए थे. ह्यून सांग की अगर हम बात करें तो हिमाचल की हिस्ट्री में भी इनके रेफरेंस मिलते हैं. अगर आप में से कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता देगा तो ये बहुत ही एक बढ़िया बात होगी, आपका रिविजन हो जाएगा, हमारा भी रिविजन हो जाएगा आपके साथ, हम भी कुछ आपसे सीखेंगे. तो ही सेट आउट इन 629 AD फ्रॉम चाइना एट द एज ऑफ 29 एंड रीच्ड गंधार इन 630 में वो पहुंचते. एक साल उन्हें लग गया लगभग, तो ऑब्वियस बात है पैदल ही चलकर आए थे वो. He came to study at Nalanda University. ठीक है, Nalanda was an university. He collected Buddhist text and left India in 643 AD. भाई साहब ने भी वही काम किया, अपना जो इनको चाहिए था कलेक्ट किया और चलते बने. He spent 8 years in dominions of Harsh and earned his friendship. ये हर्षवर्धन के दोस्त बन गए. अब 8 साल कोई भी कहीं रहेगा तो दोस्ती तो होनी लाजमी है. He returned with over 600 Mahayan and Hinayan texts, 7 statues of Buddha. देखिए भाई साहब, जो भी भारत आ रहा है, कुछ ना कुछ यहां से लेके जा रहा है. तो जो सोने की चिड़िया हम भारत को कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे, वो तो कहीं खो गई है भाई. उसको तो इन्होंने ऐसे बिल्कुल कुतर दिया ना पूरा. कोई पहले आके कुछ उठा कर ले गया, अब अपने जो हमारे हुनसांग जी है ये भी कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं. भैया कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दीजिए. आज के जो चाइनीज लीडरशिप है वो तो पूरा भारत ही पूरे उसके वर्ल्ड मैप से गायब कर देना चाहती है. पूरा चाइना अपने आप को, पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको पूरा चाइना ही कर देना चाहती है. अरुणाचल प्रदेश में तो कह रहे हैं कि जी तो हमारा ही पार्ट है. ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अरुणाचल प्रदेश अभी भी चाइना के मैप पर है. ठीक है, बायोग्राफी जो इनकी है दैट इज हु ली, जस्ट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव है, हुली आपने ध्यान रखनी. इन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी सी ई की ऑन हिज जर्नी टू साउथ इंडिया, जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट था. ही रोड दिस बुक एंड एक जियान प्रोविंस है, जियान करके एक जगह है, ये आप देख रहे हैं ना ये स्क्रीन पे. मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही आपके लिए, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहां का, वहां पर एक स्टैचू बनाया गया है. ये कुछ इस तरीके के दिखते होंगे तब जो ये अपने हुन सांग जी थे, बड़े अच्छे. देखिए कितना सजा कर उनको रखा गया है. तो हमारा तो देखिए इतिहास ही ऐसा रहा है, हमारी तो सभ्यता ही ऐसी रही है. हमने तो जो यहाँ से कुछ ले गए ना, चोर लुटेरे चाहे वो यूरोपियंस है, वी हैव स्टिल केप्ट देम इन हाई एस्टीम. हम तो आज भी उनको झुक के प्रणाम कर रहे हैं. तो ये हमारी सभ्यता है, इसे हमें बरकरार रखना है. चोरों का काम है चोरी करना और हमारा काम है और ज्यादा प्रोग्रेस करना. ठीक है, अब हमारा काम ये नहीं कि इन रिटर्न हम कुछ अब चोर लें. नो, दिस इज नॉट एट ऑल आर एम. तो जियान, एक जियान करके एक वहां पर प्रोविंस है, वहां पर वाइल्ड गूज पगोडा के नाम से मतलब इनका एक जो प्लेस डेडिकेटेड किया है. एक मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ भाई, जो मोदी जी के फैन है, इनफैक्ट ही इज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, बट कॉन्स्टिट्यूशनल पद को तो हमें हमेशा ही सलाम करना है. बट ऑन लाइटर नोट मैं आपको बताता हूँ, व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 2014, सो इन 2015 ही दिस वाज हिज फर्स्ट विजिट 2015 में टू चाइना. तो जो चाइना वाले थे ना, दे टुक हिम टू जियान. ठीक है, यहाँ पर, और ये इसी कारण था. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, वो इसी कारण था. और वहां पर पगोड़ा सुन के ना मोदी जी के दिमाग में पकोड़ा बैठ गया कि भाई साहब पगोड़ा सुना कि इन्होंने मेरे दिमाग का पकोड़ा कर दिया है. एंड वेन मोदी जी रिटर्न्ड टू इंडिया, तो आप सबको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ. जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो देश को क्या बनाना है, हमें बनाना है ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल. क्योंकि जो चाइना है इट इज मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल और मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड. वी हैव द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन अक्रॉस वर्ल्ड इंडिया. तो इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं मोदी जी, ही सेड कि हमें बनाना है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल. लेकिन भैया पकोड़े तल के कौन सा ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट कर दोगे आप मोदी जी? ये कुछ ऐसे सवाल है जो हमें सोचने हैं, जिन पर हमें विचार करना है. तो आइए आगे बढ़ते हैं. बट देखिए सीरियस मत होइएगा, थोड़ा थोड़ा मजाक है, जरूरी है बीच में, क्योंकि लेक्चर्स लंबे है,
आई टोल्ड यू कि शॉर्ट लेक्चर्स का मतलब ये नहीं है कि आई एम नॉट हेयर फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन, आई एम हेयर फॉर बिकॉज ऑफ रीजन. ठीक है, कोरोना का टाइम है, क्राइसिस है, तो हेल्प करनी बनती है. जो थोड़ा कुछ ज्ञान मुझे, जो थोड़ा जो मेरी थोड़ी कुछ समझ थी, आई थॉट कि आई मस्ट शेयर इट विद यू पीपल. ठीक है, तो आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नालंदा, द ग्रेट लर्निंग सेंटर ऑफ एंशिएंट टाइम. हायर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी थी. तो अब आपका सवाल होगा कि जी तब स्कूल कौन से होते थे? आपने सुना होगा क्या, गुरुकुल के बारे में आपने सुना होगा. अब गुरुकुल ये छोटे छोटे स्कूल्स तब रहे होंगे, या इनसे भी कुछ और कॉन्सेप्ट होगा. बट जो हायर लर्निंग के अगर हम देखते हैं, हायर लर्निंग के जो इंस्टीट्यूट थे, देवर लाइक नालंदा, तक्षशिला, ठीक है, विक्रमशिला, ये यूनिवर्सिटीज है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो नालंदा का मतलब है, नालंदा का मतलब है गिवर ऑफ नॉलेज. दिस इज द मीनिंग ऑफ नालंदा. इट वॉज फाउंडेड बाय कुमार गुप्त. हर्ष वॉज द बिग पैटर्न. ठीक है, हर्ष ने इसको बहुत मतलब प्रोत्साहित किया, और जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है या जो डेवलपमेंट है वो हर्ष ने करवाई. प्रोफेसर्स वर कॉल्ड व्हाट? प्रोफेसर्स वर कॉल्ड पंडित. ठीक है, धर्मपाल, तिहाल भद्र, दे आर द इंपॉर्टेंट प्रोफेसर्स और पंडित ऑफ दैट टाइम. ठीक है, महायान बुद्धिज्म वॉज द मेन फोकस ऑफ स्टडी, बट वेदा, हीनयान, हिंदुइज्म और हिंदू फिलोसफीज वर ऑल्सो टॉट. तो ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर बुद्धिस्ट के लिए था. हाउएवर, एम्फेसिस वॉज गिवन ऑन बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, बट अदर्स वर ऑल्सो, बट अदर फिलोसफीज वर ऑल्सो टॉट. ठीक है, ऑल्सो लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड आर्ट. अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ वहां पर एस्ट्रोलॉजी की बातें हो रही, सिर्फ वहां पर बुद्धिज्म की बातें हो रही, सिर्फ हिंदुइज्म की बातें हो रही. नो, देवर ओपन माइंडेड पीपल, देवर वेरी एडवांस पीपल. दे सेड कि, और ये तो भाई बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट लोगों का ये एक हब रहा है. एंड व्हाट डिड बुद्धा सेड? बुद्धा सेड दैट वी मस्ट पुट लॉजिक इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो यहां पर ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना ग्रामर के काम हो, बिना लॉजिक के काम हो, बिना एस्ट्रोलॉजी के काम हो, बिना मेडिसिन के काम हो, बिना आर्ट एंड साइंस, बिना आर्ट एंड साइंस के काम हो? अगर ऐसा होता तो इट वुड बी अगेंस्ट द टेनेंट्स ऑफ बुद्धिज्म. तो बुद्धिज्म के टेनेंट्स के अगेंस्ट हो जाता. अब आपके लिए मेरा एक सवाल है कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी है प्रेजेंट डे बिहार में है, आप विक्रमशिला भी देखेंगे, बिहार और जो आपका ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, उधर मतलब उसी एरिया में आपको मिलेगी. तो ये जो सेंटर्स थे बुद्धिस्ट के, वहां पर ही इनके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है क्यों एस्टेब्लिश हुए? अब तक तो आपको जवाब आ भी जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट बुद्धिज्म. फुली रेजिडेंशियल स्कॉलर्स, ठीक है, फुली रेजिडेंशियल कैंपस था. स्कॉलर्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज, तो अलग अलग देशों से आते थे. जैसे हमने अभी देखे चाइना से कुछ बहुत सारे एरोडाइट स्कॉलर्स केम हियर एंड दे कॉपीड आवर टेक्स्ट. ठीक है, एंट्रांस एग्जाम जो होता था उसका सक्सेस रेट वॉज वेरी टफ. मतलब इट वॉज नॉट एज टफ एज टूडेज आई आई टीज और आई आई एम के लेवल का, बट इट वॉज क्वाइट टफ. ठीक है, आफ्टर एग्जिस्टिंग फॉर लगभग 800 साल के बाद इट वॉज बींग डिस्ट्रॉयड बाई बख्तियार खिलजी, अबाउट हुम वी विल स्टडी इन आर मिडिवियल लेक्चर, मिडिवियल हिस्ट्री लेक्चर में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो ये बख्तियार खिलजी था, ही वॉज द गवर्नर ऑफ मोहम्मद गौरी. ठीक है, ये मोहम्मद गौरी का गवर्नर था. ये आपके लिए मैंने कुछ स्नैपशॉट्स लाए हैं, आप देखिए व्हाट कि हाउ ब्यूटीफुली इट वाज बीइंग डिजाइन्ड और डेवलप्ड बाय द रूलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंचुरी. तो बहुत अच्छी है, इट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस. आप देख लीजिए एरिया, दिस इज द एरियल व्यू. ये अभी तक जो अवशेष बचे हैं ना उस यूनिवर्सिटी के, अब तो इट हैज बीन डेवलप्ड. अब तो देखिए आप, अच्छी डेवलपमेंट हो गई है, बट इट वॉज वेरी स्पेशियस एंड लाइक वेदर वॉज क्वाइट कंड्यूसिव टू स्टडी. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में. तो इट वॉज अ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी बुद्धिस्ट लिटरेचर की पढ़ाई होती थी. इट वॉज फाउंडेड बाय धर्मपाला, धर्मपाला ऑफ पाला डायनेस्टी, धर्मपाला ऑफ पाल डायनेस्टी. ध्यान रखिएगा, धर्मपाला इज नॉट फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी. आप यहाँ पर गलती कर जाओगे. सीटीसी, क्लियर द कंफ्यूजन हेयर इट सेल्फ. नोट बना लीजिए साइट में, स्टार जहां आप नोट्स बना रहे हो स्टार मार्क कर इस बात को लिख दीजिए कि मुझे यहाँ पर कंफ्यूज होना ही नहीं है. आठवीं सदी तक आते आते, 8th सेंचुरी तक इसका भी पतन हो गया था. प्रेजेंट डे आपका जो ये वेस्ट बंगाल और बिहार वाला बॉर्डर है, वहां पर इसकी लोकेशन है. इट वॉज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी. तो यार, इस बख्तियार खिलजी ने तो ना दुखी कर दिया. इसने तो भाई साहब
बुद्धिस्ट का लव पी लिया था, एंड ही वॉज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल पीपल और ही वॉज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन टर्म्स ऑफ स्टडीज और इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रेट इंस्टीट्यूशन फॉर लर्निंग. फ्रेंड्स, अब वी विल स्टडी अबाउट द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल. अब हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल को पढ़ेंगे. आई एम होपफुल दैट वट एवर मटीरियल और वट एवर थीम्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार और वट एवर टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड, यू आर कंफर्टेबल. इन केस यू पीपल डोंट हैव एनी, इन केस यू पीपल आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, आप एक बार ये दोबारा से पढ़िए, कंटेंट को रिवाइज कीजिए, अपनी जो बुक्स है उनको रेफर कीजिए. स्टिल यू हैव डाउट्स, रीच आउट टू मी ऑन माई ई मेल आई डी, आई विल गेट बैक टू यू. ठीक है, राष्ट्रकूटास थे, तीन पार्टियां थी, तभी यहां पर ट्राइपार्टाइट कहा गया है. थ्री पार्टीज थी, हु वर दी पार्टीज, राष्ट्रकूटास ऑफ डेक्कन, ठीक है, गुर्जर प्रतिहाराज ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, पालाज ऑफ बंगाल. पालाज के बारे में आई जस्ट टोल्ड यू हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. ठीक है, इट वॉज अ कॉन्टिन्यूस वॉर्स. ठीक है, ये कॉन्टिन्यू मतलब बार बार इसमें लड़ाइयां हो रही थी, एक बार ही लड़ाई नहीं हुई है, ये बार बार, ये लगभग 200-300 साल तक ये मसला चलता रहा. ठीक है, कॉन्टिन्यूस वार्स टू कैप्चर कन्नौज. ठीक है, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू बिकम स्टेबल पॉलिटिकली, इफ यू वॉन्ट टू गेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन नॉर्दर्न इंडिया, सो कन्नौज इज द कंसेंट्रिक पॉइंट, तो कन्नौज आपका केंद्र बिंदु रहेगा. अब जो इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वॉज प्रतिहाराज एमर्ज्ड एज विक्टर्स फाइनली. ठीक है, एंड दे कैप्चर्ड कन्नौज. और जो ये प्रतिहाराज थे, इन्होंने बहुत लंबे समय तक, जो ये हूंस, हुनाज के, हुनाज ट्राइब के बारे में हमने पढ़ा था, हूंस जो थे सेंट्रल एशियन के, इन्होंने इनको बहुत समय तक रोक कर रखा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. तो आइए एक बार इस चीज को मैप से समझते हैं. ये गूगल से आपके लिए मैप लाया हूं, बहुत बढ़िया मैप है. आप देखिए 750 से 900 तक की अगर हम बात करते हैं, तो लगभग लगभग कन्नौज ट्राइंगल की बात करते हैं, तो 200-250 साल तक तो इनका राज रहा ही. आप देख लीजिए इनके एरियाज, ये गुर्जर प्रतिहाराज ने ये एरियाज किया था, राष्ट्रकूटास का एरिया आपका ये वाला आता है, और ये पालास का एरिया है. ठीक है, एंड हियर इज द कन्नौज. अब कन्नौज की इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो ये इन द विसिनिटी ऑफ गंगा है, और इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स है, अब मैं उन चीजों को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन देम. सो हियर ये हमारा जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है. आई टोल्ड यू लेक्चर बड़े जरूर है, आप चाहो तो उनको थोड़ा पॉज करके देख सकते हो, बट वैसे एक सवाई घंटे का लेक्चर कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होता है. जो सिंसियर स्टूडेंट्स है एटलीस्ट उनके लिए तो ये कोई भी बड़े लेक्चर नहीं है, रादर दीज लेक्चर्स आर अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू फ्रेम देयर स्टडी और टू मॉडिफाई देयर स्टडी और टू अपडेट देयर स्टडी और टू अपडेट देयर स्टडी प्लान. क्योंकि कोविड के टाइम पे हो क्या रहा है कि हमारे अंदर एक कंपोनेंट ऑफ लेथार्जी आ गया है. हम घर पे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्यों पढ़े, एग्जाम नहीं हो रहे हैं, डेट आगे बढ़ गई है, डेट आ गई है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है एग्जाम के लिए. तो आपको उसी दिशा में ऑन प्लेटफॉर्म रखने के लिए आई टुक दिस इनिशिएटिव. इनफैक्ट इट इज ऑल्सो हेल्प मी टू बी ऑन दिस ट्रैक ऑफ आर सिविल सर्विस प्रेपरेशन. तो लेक्चर को समाप्त करता हूं. आपको किसी भी किस्म का कोई डाउट है आप मुझ तक पहुंच सकते हैं helpniti2021@gmail.com के माध्यम से. लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे ऐसा मेरा मानना है. आप अपने जो और लर्नर्स हैं, आपके जानकारी में जो लर्नर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक ये मेरा वीडियो पहुंचाइए. आप अपने वैल्यूबल जो फीडबैक्स है, जो आपका वैल्यूबल कमेंट्स है, आप उनको मुझे ईमेल कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे इंडोर्स, बाहर तो कोरोना है. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम.